ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि ए प्लस बी 12 दिन में काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 16 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखा है कि ए है 5 दिन के लिए काम किया, एंड देखो ए है 5 दिन के लिए काम किया, एंड बी ने 7 दिन के लिए, एंड सी ने रिमेनिंग 13 डेज के लिए काम किया। तो कितने दिन में ए अकेला काम कर लेगा। तो ए और बी, ए की अलग अलग एफिशिएंसी नहीं दे रखी है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की निकाल लेंगे 4, एंड बी प्लस सी की कितनी आएगी, एवरेज निकाल के ये आ जाएगी हमारी 16। ओके ये हमारी आ जाएगी, सॉरी बी प्लस सी कितनी आ रही है हमारी, ये हमारी है 3, ठीक है। ये हमारी 4 आ रही है, ये हमारी 3 आ रही है। तो अब हमें अलग अलग एफिशिएंसी नहीं पता, तो हम इसको कुछ 5 a + b + c वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमने 4 रखा, यहाँ पे हमने 3 रखा, एंड इसको इसको इक्वेशन को सॉल्व करके, क्योंकि हमें एक टोटल वर्क कितना दे रखा, 48, 48 टोटल वर्क निकालना है। तो हमने इसमें सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल ली, सी की यहाँ से निकाल ली, सी को हम अगर यहाँ रखेंगे तो हमें बी की आ जाएगी, बी की आ जाएगी 1, एंड फिर जब बी की 1 आ गई तो हम ए को यहाँ रखेंगे, ए प्लस बी इक्वल्स टू 4, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब लिखा है कितने दिनों में ए अकेला काम कर लेगा, तो 48/3 विल बी द आंसर। दिस इज वन मोर क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें क्वेश्चन में रखा है ए कैन डू एज मच एज वर्क एज बी एंड सी कैन डू टुगेदर, ओके, एंड ए एंड बी टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क। तो जो ए और बी करता है टुगेदर ये काम करता है 9 hours and 36 minutes, तो 9 hours and 36 minutes, तो इसको आर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 hours 3/5, एंड इसको फिर रेशियो में करो तो 45 3 48 लाइक 5 48/5, ओके। एंड ये जो हमारा सी आएगा, सी कितने दिन में काम करता है इन 48 hours, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर का एलसीएम लेते हैं 48 48, ये 5 दिन में काम करेगा, एंड ये कितने दिन में काम कर लेगा, 1 दिन में, ठीक है। ये हमारा आ गया, अब हमने क्या किया है, ओके ये हमारा आ गया। अब क्या लिखा है इसमें, ओके, हाउ मच टाइम बी नीड्स टू डू द वर्क अलोन। अब देखो हमारा ए प्लस बी क्या है हमारा 5, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लिखते हैं, तो ए प्लस बी 5 आ रहा है, ए माइनस बी हमारा क्या है, ए प्लस बी 5 है, एंड हमारा ए इक्वल्स टू बी प्लस सी है, ठीक है। तो सी हमारा 1 है, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 1 1, तो यहाँ पे 1 सॉल्व कर लेंगे, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा हमारा 3, बी आ जाएगा 2, एंड सी हो जाएगा 1। अब बोला है कि बी कितने दिन में काम कर लेगा, तो बी का फॉर्म लेगा 48/2, तो आंसर विल बी 24। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ए बी कैन डू कंप्लीट वर्क इन 3 डेज, तो ए बी 3 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे स्टार्टेड टू वर्क वर्किंग टुगेदर फॉर 2 डेज, बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है। तो उन दोनों ने साथ में काम किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी चला गया, तो दोनों ने अकेले 2 दिन काम किया, ठीक है, 2 दिन और में काम कंप्लीट हो गया। तो बी अगर अलोन काम करता तो हमें एक इक्वेशन बन गई, इससे इक्वेशन बन गई, तो हमने क्या इसको सॉल्व किया, इक्वेशन रेशियो आ गया 1 1, तो ए बाई बी रेशियो 1 आ गया। अब हम इसे 1 डालेंगे तो वर्क आ जाएगा 3 1 + 1 6, और निकाला बी अलोन वर्क करे तो बी का अलोन एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 6 डेज में काम कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं, इसमें रखा है कि ए एंड बी कैन टू वर्क टुगेदर इन 6 डेज, वही सेम क्वेश्चन। तो अब इसमें रखा है कि ए बी सी इतने दिन में काम कर लेते, तो हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली 60, ओके, एंड ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ कि हम 60 एफिशिएंसी लगा ली, तो 6 आई इसकी, 5 आई इसकी, 4 आई, ठीक है, मतलब टोटल इनकी 15 आई है। अब हम इससे क्या करते हैं, इसमें लिखा है पीछे से दे रखी होती है चीजें, ठीक है, देखिए बी ओके इसमें लिखा है ए लेफ्ट ऑफ द वर्क बिफोर 5 डेज ऑफ द कम्प्लीशन, तो इसमें बोला कि 5 दिन से पहले, ठीक है, ए कब चला गया, 5 दिन पहले चला गया, और बी ऑल्सो लेफ्ट 2 डेज, जैसे जैसे ए गया उसके 2 दिन बाद बी भी चला गया, तो 2 दिन के बाद मतलब बी यहाँ पे नहीं रहा, तो यहाँ पे इस जगह सिर्फ सी है, यहाँ पे इस जगह बी प्लस सी है, इस जगह बी प्लस सी ए प्लस बी सी तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी अकेला कितना काम करेगा, कितना, 3 दिन में, तो सी का अकेला काम कितना है 4, तो मतलब 12 काम करेगा, और यहाँ पे बी प्लस सी कितना 9 9, 2 दिन में कितना काम करेंगे 18 काम करेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, ठीक है, कितना काम करेंगे 3 30 काम करेंगे, तो ठीक है ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर लेंगे, ये 15 है 15, ठीक है। अभी पूछा है कि कितने दिनों में काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये 18 हो गया, 12 चला गया, 18 12 कितना 30 काम चला गया, 30 चला गया, 30 बचा, तो 30 काम करना है इन तीनों को, एक यानी इनका 1 दिन का काम है 15, तो ये 2 दिन में काम कर लेंगे 2 डेज, तो टोटल डेज कितना आ गया 2 ये 2 ये एंड 3 ये, मतलब 5 3 4 5 6 7, 7 डेज में ये वर्क कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन है ईजी है लेकिन इसमें लेंथी है थोड़ा। इसमें क्या है कि 1 man 3 women and 4 boys कैन डू अ वर्क इन 5 डेज, तो इस ये वाला इक्वेशन बन जाएगी, फिर 2 men 8 boys and can do it in 8 hours, तो ये सेकंड ये बन जाएगी, एंड फिर 2 men 3 women and 120 men, तो
तो ये तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में तीन इक्वेशन बनेंगी, तीनों इसे इसे लाइक ना क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई भी दो इक्वेशन को एक साथ कर लेंगे, जैसे एम की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, इसमें पुट करती तो एम और बी का रेशियो, डब्ल्यू का रेशियो निकल जाएगा, फिर उसे बी का रेशियो निकाल लेंगे एन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फाइव मैन एंड ट्वेल्व बॉयज का निकालना है तो रेशियो निकल जाएगा एक बार, वर्क निकाल लेंगे, फिर फाइव एक मैन का वर्क एक दिन का कितना एफिशिएंसी, ट्वेल्व मैन का उसका प्लस करके मल्टीप्लाई करके उसे डिवाइड करके वर्क से हम निकाल लेंगे कितने दिन में काम हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन है कि एट मैन है, दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन फाइव डेज, तो एट मैन फाइव डेज में काम करते हैं, तो कितने मैन चाहिए टीनी टू कम्प्लीट द वर्क इन टेन डेज। देखो दिन ज्यादा बढ़ रहे हैं तो मैन कम होंगे, ठीक है, क्योंकि मैन जो होता है, देखो दस दिन में काम करने के लिए मैन कम चाहिए ना, क्योंकि अभी पाँच दिन में काम हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे हाफ कर देंगे, मतलब फोर मैन चाहिए, ठीक है, दिन डबल हो रहा है तो मैन क्या होंगे, हाफ होंगे आगे। और एक और तरीका ऐसा कि हम मान लें एक दिन एक मैन की एफिशिएंसी वन चेयर पर डे है, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, एट मल्टीप्लाई वन वन फाइव, ठीक है। अब कितना दस दिन में कितना काम करवाएंगे, टेन से डिवाइड कर दो, आ जाएगा फोर डेज में फोर चेयर बना पाएंगे। ओके, हाउ मेनी मैन, कितने मैन चाहिए, चार मैन चाहिए। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी है, ए विन बी एंड सी कैन वर्क टुगेदर इन 12 डेज, तो ए एंड बी एंड सी कैन वर्क टुगेदर इन 12 डेज एंड ए एंड सी वर्क ट्वाइस एज अ बी, ए एंड सी का मिला के वो डबल काम करते हैं एज दैट ऑफ एफ सी, एंड ए एंड बी टुगेदर वर्क थ्राइस एज बी सी, और ए और बी थ्राइस वर्क करते हैं एज दैट ऑफ सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दो इक्वेशन पता है एंड तीन वेरिएबल्स हैं, तो क्या करेंगे रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, सॉल्व करके ए बाई बी का रेशियो आ गया, ए बाई बी का रेशियो यहाँ पे रख के सी का निकाल लेंगे, तो तीनों का रेशियो आ गया, ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया, ठीक है, ए फाइव बी फोर एंड सी ट्वेल्व, एंड वर्क भी निकालेंगे, वर्क कैसे, ए एंड बी एंड सी कैन फिश मिक्सर वर्क इन 12 डेज, तो ए एंड बी एंड सी तीनों का प्लस करके कितना आएगा, चार नौ दस ग्यारह बारह, बारह मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये वर्क आ गया। अब हमें निकालना है कि कितने टाइम में तीनों अलग अलग कर लेंगे, तो वन बाई, तो अगर ए का निकालना तो वन एक आ जाएगा फाइव से डिवाइड करेंगे, बी का निकालना फोर से डिवाइड करेंगे, सी का निकालना थ्री से डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क आ गया, टोटल एफिशिएंसी आ गई, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो दो चीज़ें निकाली, टोटल वर्क निकालना, टोटल एफिशिएंसी निकालनी, जैसे टू मैन और फोर वुमेन, टू मैन ठीक है कैन डू 44 डेज में, तो ये इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन मैन एंड वुमेन का वर्क आ गया। अब बोला है कितने टाइम में थ्री वुमेन एंड मैन करेंगे, तो पहले तो वर्क निकालो, वर्क क्या आएगा 44 into 4, लेकिन थ्री बाई फोर ऑफ द वर्ल्ड, थ्री बाई फोर फोर करना है, तो वर्क हमारा इतना हो गया, ठीक है, एंड थ्री मैन एंड फाइव वुमेन, तो थ्री मैन है मतलब सिक्स, फाइव वुमेन है मतलब वन, फाइव मतलब इलेवन, ठीक है, इलेवन को डिवाइड कर दो वर्क से, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी सी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, ए डू दैट ट्वाइस एज अ बी, तो ए जो करता है वो ट्वाइस करता है एज दैट ऑफ बी, ठीक है, दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो 7 डे में काम कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 21, ठीक है। अब बोला है कि तो ये हमारा वर्क आ गया 21, तो ए अलोन कितने में करेगा, 21 में डिवाइड कर दो 2 से, आंसर आएगा 10.5, इजी। हमारा ये क्वेश्चन है, थ्री मैन एंड फोर वुमेन फाइव बॉयज 47 में काम कर सकते हैं, तीन इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करो, ठीक है, रेशियो निकाल लो, 60 लाइक ऐसे 60 मान लो, इसका एलसीएम ले लो कितना भी है, एंड 60 मान लो, एंड अलग अलग एफिशिएंसी आ गई, अलग अलग एफिशिएंसी आ गई, तो टोटल वर्क आ जाएगा किसी में भी, चलो एम रख दो, तो ये वर्क आ गया, वर्क आ गया, एंड हमें किस करना है, वन मैन वन वुमेन एंड इनका, इन तीनों को सम करोगे 47 एंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे 60 डेज, इसी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इट सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू वर्क ऑन 50 डेज, ठीक है, एक मैन की एक एफिशिएंसी एक चेयर पर डे मान ली, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू इट इन 50 डेज, ठीक है, अगर तीन ज्यादा मैन आ गए, ठीक है, तो वो 5 डेज में कर लेंगे, 5 डेज में, 5 कम डेज में कर लेंगे, तो जितना काम x मैन 50 डेज में करते हैं उतना ही काम x प्लस 3 मैन 45 डेज में करते हैं, इक्वेट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, एक ये तरीका है इसका। और दूसरा तरीका क्या है कि हम देखें एक्स्ट्रा मैन क्या आ रहे हैं और एक्स्ट्रा मैन क्या अफेक्ट डाल रहे हैं, जैसे तीन नए मैन आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो ये तरीका तो ईजी है कि एक्स मैन 50 डेज में करते हैं तो एक्स प्लस 3 मैन 45 डेज में काम करेंगे, एक दूसरा तरीका है कि तीन मैन आए, ठीक है, तीन मैन ने 5 दिन काम किया, ठीक है, 5 दिन कम काम किया, ठीक है, 5 दिन कम काम किया, तो तीन मैन जो 45 दिन में इन्होंने क्या किया 135, ठीक है, 45 दिन में काम खत्म हो गया ना, 5 दिन कम लगे, तो 45 दिन में इन्होंने कितने चेयर बनाए 135, तो 135 ही एक्स्ट्रा चेयर बनाया, ठीक है,
135, 5 से डिवाइड करेंगे तो 27 मैन आएंगे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते थोड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस ऑफ 45 डेज एंड एम्प्लॉयड 150 मैन एंड इन द बिगिनिंग, ठीक है, आफ्टर 30 डेज उसने, ठीक है, उसने बोला कि अगर स्टिपुलेटेड टाइम मतलब 45 दिन में ही काम करना है तो उसने एडिशनल मैन को एम्प्लॉय किया। ठीक है, तो अगर वो एडिशनल मैन को एम्प्लॉय नहीं करता, वैसे 120 मैन को और एम्प्लॉय किया नहीं करता, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता। तो मान लेते हैं एक मैन की एफिशिएंसी 1, ठीक है, मैन पर डे है, तो इन्होंने क्या किया, 150 मैन ने कितने दिन तक काम किया, 30 डेज तक। ठीक है, 120, अब 120 मैन और लेके आ गए, मतलब 270 हो गए, और उन्होंने एडिशनल कितने दिन में काम किया, 15 दिन और काम किया। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। अब बोला कि अगर मैन नहीं लेके आते, मैन नहीं लेके आते तो 150 मैन कितने दिन में काम कर पाते, 57। तो कितना एक्स्ट्रा डे लगा, 57 माइनस 45 करता तो 12 डेज एक्स्ट्रा लगे। गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि देखो इसमें क्या है कि देखो एक मैन एक कैलोरी वन डे पर डे खाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि ए सफिशियंट फूड है 150 एन का 50 डेज के लिए। तो टोटल फूड क्या है, 150, अगर एक मैन एक खाता है तो टोटल फूड कितना का इतना, अब किसके बराबर होगा। ठीक है, अब 10 मैन चले गए, ठीक है, 75 मैन लीव आफ्टर 10 डेज, तो 10 दिन के साथ तो खाया होगा, तो 10 दिन तक को खाया होगा एंड 75 मैन चले गए, तो कितने बचे, 75 बचे। ठीक है, कितना फूड बचा फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन, तो ये इतना बचा। ठीक है, एक्स आ जाएगा हमारा सॉल्व करके, 10, 10 दिन के लिए बचा है फूड। ठीक है, तो देखो अब देखते हो हम इसको एक तरीके से और करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे 150 50 डेज के लिए, पहले टोटल फूड कितना है, 150 कितने 15 दिन के लिए, एक मैन एक बंदा इतना खाता है। अब क्या हुआ, 10 दिन बाद, ठीक है, आफ्टर 10 दिन, 10 दिन के बाद मतलब 150 मैन ने खाया, तो 10 दिन के बाद कितना फूड बचा, 5 बचा। ठीक है, अब कितने लोग खाएंगे, 75 लोग खाएंगे। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। तो हाँ, इससे भी 10 आ रहा है। ठीक है, वही सेम है कि हमने निकाल लिया कितना फूड बचा और अब कितने में जाना है, 75, और कितने दिन के लिए है, 10 डेज के लिए। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। फिर हम देखते हैं कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम, बी एंड सी कैन डू इट टुगेदर। ठीक है, ए की ये बन गई एंड बी एंड सी कैन डू इट टुगेदर, ओके, एंड ए एंड बी कैन डू इट टुगेदर इन 10 डेज, और ए एंड बी इसको 10 डेज में कर सकता है। ठीक है, ए एंड बी का तो रखा है 10 डेज, तो ए एंड बी का हमने यहाँ पे लिख दिया 10 डेज, एंड ओके सी कर सकता है इसको 50 डेज में, तो हमने इसका एवरेज निकाला 50, तो इसका एवरेज आ गया 5, इसका आ गया हमारा 1। अब हमें देखो हमने कहा है ए और बी प्लस सी, इसका सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे सी वन है, वन डाल के हमारा ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए माइनस बी वन आ जाएगा, तो सी और ए प्लस बी क्या है, 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना 2a6, ए का आ जाएगा 3, बी आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, फिर हमें क्या लगा ना, इन्वर्टेड बी अलून कैन डू, तो बी अलून का क्या आ जाएगा, 50/2, मतलब 25 डेज में बी अलून काम कर लेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है कि A started a work and left after 4 days, ठीक है, and B finished the work in the next 18 days, and if had the A left 6 days after working 6 days, B can finish the work in 12 days. तो इसमें देखो इक्वेशन बनी है, इसको इक्वेट कर लेंगे। देखो A started the work and left after 4 days, A ने काम किया और 4 days में चला गया, फिर B ने start किया and 18 दिन में चला गया, तो एक इक्वेशन बनी। ठीक है, अगर A start करता and 6 दिन बाद जाता तो B उसे 12 दिन में कंप्लीट कर लेता। तो अब अगर दोनों अलग अलग काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं, तो हमने ए और बी का रेशियो निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल लेंगे इससे, किसी में भी रख के ए और बी की एफिशिएंसी रख देंगे एंड फिर टोटल वर्क आ जाएगा और ए और बी का अलग अलग काम निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। इसमें बोला है कि ए अलोन कैन टेक 27 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, ए बो एंड ए अगर दोनों एक साथ काम करें। ठीक है, तो ए अलोन कैन टेक 27 आवर्स मोर, देन अगर ए और बी दोनों काम करते तो एक्स घंटे लेते हैं। अगर ए अलोन काम करेगा तो वो 27 आवर्स मोर लेगा और बी अलोन काम करेगा तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेगा। ठीक है, इसमें रखा है तो हमने ए की ए का आवर्स ये मान लिया, बी के आवर्स में ये मान लिया, तो रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इसका ये आ जाएगा एफिशिएंसी, तो इसकी हमारे क्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे टोटल एफिशिएंसीज इन दोनों को सम करके। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, टोटल आवर्स। ठीक है, टोटल आवर्स हमने कितना मारा था, एक्स, तो उसको सॉल्व करके हमारा एक्स आ जाएगा 9 मिलेगा आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। एंड ये वाला क्वेश्चन है, इसमें वही वाला क्वेश्चन है कि ए एंड बी 12 दिन में काम करें, बी एंड सी 16 दिन में, एंड बी एंड सी
जो है 16 दिन में काम कर रहे हैं, अगर ए देखो ए क्या है 5 दिन में काम कर रहा है, बी 7 दिन के लिए, एंड सी 13 दिन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो हम निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें ए प्लस बी और बी प्लस सी बताया, तो हम इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, बी प्लस सी और ए प्लस सी आ गया, और हम उससे सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, सी की एफिशिएंसी आ गई, तो हमें बी ए प्लस बी पता है, बी प्लस सी पता है, तो ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, वो वाला क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ओके टू मैन कैन बिल्ड अ वॉल 15 या 20 आवर्स में, पर ए और बी एक साथ काम करते हैं, ए बी 15 आवर में काम करता है, बी 20 आवर्स में काम कर लेता है, इसमें बोला कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछे गए, तो पूरा 60 ही मांग सकते, 60x मांगे, पूरा नंबर पूछा गया, ठीक है, तो हम इसे 4x मान लेते हैं इसको, फिर हम इसको 3x आ गया। ऐसा पूछा गया है कि ए टू मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 और 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम अच्छे से करते हैं, मतलब क्वेश्चन सेम है कि ए प्लस बी बी प्लस सी दे रखा है, एंड फिर दे रखा है ए 3 दिन में काम कर रहा है, एंड बी इससे कर रहा है, एंड 60 दिन में पूरा टोटल काम हो रहा है, तो वो सी की एफिशिएंसी निकाला है, ये फिर इधर रख के बी की निकालेंगे, बी से ए की निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे ए कितने दिन में काम करेगा, इसी क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में हुआ क्या है, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि तीन जो पी क्यू आर टाइपिस्ट है ये साइमल्टेनियसली 216 पेजेस छापते हैं 6 आवर में, तो एक 6 आवर में, तो 4 आवर में 216, तो 1 घंटे में कितने पेजेस छापते हैं, 54 पेजेस पर आवर, ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी होगी। इसमें बोला है कि 1 आवर कैन टाइप एज मच एनी पेज मोर देन क्यू, देखो तो क्यू है बीच में एंड यहाँ पे पी है एन आर है, ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन दे रखे है कि पी और आर के बीच में आएगा क्यू, ठीक है, एंड अगर सपोज एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, अगर ये 30 है तो ये 20 होगा, ये 40 होगा, इस तरीके से होगा कि मतलब कि पी 10 ज़्यादा है तो जो आर है वो पी अगर 10 कम है क्यू से तो क्यू 10 ज़्यादा है आर से, मतलब इस तरीके से दे रखा है। इसमें बोला पी कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर्स एज पी इन 7 आवर, तो 5, ठीक है, तो ये रिलेशन दे रखा था, उसमें पी और आर का, आर और पी का रेशियो आ गया, ठीक है, 7:5, तो मैं आर आ गया 7, ठीक है, पी आ गया 5, ठीक है, अब सर एंड जो हमारा क्यू था वो बीच में था इन दोनों के, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, ये 6 आ जाएगा, लेकिन ये हमारे रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर के लिए इनका सम करेंगे तो कितना आ रहा है 18, लेकिन हमारे 1 घंटे में कितना पेजेस छाप रहे हैं 54, तो ये हेलो कितना मल्टीप्लाई करोगे 3, मतलब इनकी रियल वैल्यू आएंगी 3 मल्टीप्लाई करके, तो ये 21 होगा, ये 18 होगा, यानी 15 होगा। फिर हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गई, तो हाउ मेनी पेजेस दैट मच ऑफ बट ईच ऑफ देम पर आर, तो एक हर एक की एफिशिएंसी निकालनी है, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना है ये, ओके पर 4 आवर, तो 54 आवर, तो अलग अलग एफिशिएंसी निकालो, 54 बाई 21, 54 बाई 18 एंड 54 बाई 15, तो आंसर आ जाएगा।